संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं। नकली नोट छापने के मामले को लेकर एक्शन लिया गया है। जामिया हबीबिया मदरसा कमेटी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कार्यवाहक प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन को पद से हटा दिया गया है और पद से हटाने के साथ ही कमेटी की मेंबरशिप से भी हटा दिया गया है। गिरफ्तार कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरिफीन का परिवार मदरसे की पहली मंजिल पर रहता है और परिवार को फौरन मदरसा खाली करने को कहा गया है। पुलिस के खुलासे के बाद मदरसा कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें यह फैसला लिया गया। अतर सुइया इलाके में रहने वाले इस मदरसे में नकली नोट छापने का खेल भी चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर यहां पर कार्यवाहक प्रिंसिपल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीरुल और जाकिर खान ओडिशा का ही रहने वाला है। आरोप के मुताबिक दोनों पिछले कई महीनों से कुछ और लोगों के साथ लेकर मदरसे में नकली नोट छापने का काम किया करते थे। आज वक्फ कानून में संशोधनों पर जेपीसी की दूसरी बैठक होगी। जेपीसी के सदस्य प्रस्तावित सभी 44 संशोधनों पर एक एक कर विचार करेंगे। वक्फ कानून में संशोधनों पर जेपीसी की पहली बैठक जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में की जाएगी। तो पहले भी उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और इस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से सवालों की बौछार की गई थी।